आज हम आपको बताने जा रहे हैं मच्छर मारने का आसान सा घरेलू उपाय, जिसके जरिए आपको किसी भी तरह के आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स की या फिर मार्केट में मिलने वाले कॉइल या फिर किसी भी तरह के मॉस्किटो रेपेलेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही इन आसान से घरेलू नुस्खों से मच्छरों को हमेशा के लिए बाहर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम जितने भी वीडियोस बनाएंगे सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आइए अब जानते हैं मच्छर भगाने का ये आसान सा घरेलू नुस्खा। दोस्तों, कई लोगों को चूहे, छिपकली, कॉकरोच, इन सब से बहुत डर लगता है, लेकिन मच्छर जब घर में आता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मच्छरों से उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन अगर देखा जाए तो मच्छर इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई मच्छर आता है और उसी में मलेरिया और डेंगू के मच्छर भी आ जाते हैं, तो ये आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। या फिर मच्छरों से होने वाली अगर कोई भी बीमारी हो जाए तो इंसान को रिकवर करने में 2-3 महीने का समय तो लग ही जाता है, क्योंकि मच्छर जब काटता है तो इंसान के शरीर का खून कम हो जाता है, ब्लड प्लेटलेट नंबर कम हो जाता है, और जिसे वापस बराबर करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ करें जिससे कि हमारे घर के जो मच्छर हैं वो भाग जाएं या तो फिर मर जाएं और आपको उनका साइड इफ़ेक्ट भुगतना ना पड़े। दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आसानी से मच्छरों को भगाने का दावा करते हैं, लेकिन ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उनको अपने घर में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो महंगे भी होते हैं, हमारी जेब पर भी भारी पड़ते हैं, और साथ ही साथ घर के जो मच्छर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी कि आपको लगता है कि मच्छर शायद कहीं चले गए, लेकिन आधे घंटे बाद जैसे ही उस कॉइल का या रिपेलेंट का असर कम होता है, वो मच्छर फिर से हमें काटने के लिए आ जाते हैं। तो आसान सा तरीका ये है कि आप घरेलू उपाय का उपयोग करें, जैसे कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने घर में, अगर आपका कमरा छोटा है तो किस चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आप बड़े घर के लिए या फिर बड़े हॉल में मच्छरों को भगाना चाहते हैं तो किस चीज़ का इस्तेमाल करें। तीसरी चीज़ ये कि जब आप ट्रैवल पे कहीं जा रहे हैं या फिर किसी बड़ी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर ओपन स्पेस है, तो वहाँ पर आप मच्छरों से कैसे बचें, आइए जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये तेज पत्ता जो कि हमारी रसोई में हमें मिल जाता है। आपको सिर्फ इसके कुछ पत्तों को जलाना है। इन पत्तों में इतनी ताकत होती है कि ये मच्छरों को आपके कमरे से बाहर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इसको जलाते हैं तो ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए या फिर जिनको सांस से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है उनके लिए भी हार्मफुल नहीं है, यानी कि इसको जलाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आपको बस इसके 2 से 3 पत्ते लेने हैं, उसके ऊपर आपको इस्तेमाल करना है एक ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ऑयल जो कि होगा नीम का तेल। नीम के तेल में मॉस्किटो रिपेलेंट के गुण होते हैं। अगर आप तेज पत्ते के ऊपर नीम का तेल छिड़क दें, कुछ बूंदें डाल दें, और उसके बाद जब आप तेज पत्ता को जलाएंगे तो ये मच्छरों पर बहुत ज़्यादा असर करता है। इसे जलाकर आपको बस कमरे में रखना है। जब तेज पत्ता पूरी तरह से जल जाए तो इसकी जो सुगंध है उससे मच्छर मर जाते हैं। दोस्तों, अगर आप तेज पत्ता पे इस नीम के तेल को लगाते हैं और उसके बाद अगर आप इसे जलाते हैं अपने कमरे में मच्छरों को भगाने के लिए, आप देख सकते हैं तेज पत्ता इस तरह से जलता है और इसमें से जो धुआं निकलेगा वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होता। आप इसे किसी भी बर्तन में रख के इस तरह से जला सकते हैं। ये आपके कमरे में हर तरह के मच्छर को मारने में सहायक होगा। दूसरा तरीका जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है ये। जी हाँ दोस्तों, कपूर भी मच्छरों को भगाने के काम आता है। तो अगर आपके घर में कोई बड़ा कमरा है वहाँ पर आप कपूर के ज़रिए मच्छरों को भगा सकते हैं। आपको बस करना क्या है कि एक बर्तन में कपूर लेना है और उसके बाद इसके ऊपर भी आपको नीम का तेल डालकर इसे जला देना है। इससे आप मच्छरों को आसानी से भगा सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपने घर से बाहर जाएं तो आपको नीम का तेल, नारियल का तेल, लौंग का तेल, पेपरमिंट ऑयल और नीलगिरी का तेल, ये पांचों तेल एक साथ मिला लेने हैं और इन्हें एक छोटी शीशी में भर के रख लेना है। आपके शरीर में जो भी ओपन एक पार्ट्स हैं, यानी कि अपने हाथों पर, पैर पर, इवन आप अपने फेस पर भी इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मच्छर आपके पास नहीं आएंगे और आपको नहीं काट पाएंगे, क्योंकि इन सभी तेलों की जो स्मेल होती है उससे मच्छर दूर भागते हैं। तो जब भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाएं तो ओडोमोस या फिर इस तरह की किसी भी क्रीम को लगाने से अच्छा है कि आप इन ऑयल का मिश्रण लगाएं,
क्योंकि ये आपके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जबकि अगर आप किसी भी तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सजग रहना पड़ता है कि आप उसको लगाने के बाद खाना पीना नहीं कर सकते या फिर आप किसी बच्चे के वो टच नहीं कर सकते, वो आपके लिए हार्मफुल होता है। तो इस तेल का इस्तेमाल करके आपको ये सब सावधानियाँ नहीं बरतनी पड़ेंगी। अगर आप बड़े हॉल में मच्छरों को भगाना चाहते हैं और आपको लगता है कि रोज़ रोज़ ये दिया और उसका तेल, आपको तेल डालना है, दिए का इस्तेमाल करना है, उसको संभाल के रखना है, तो आप एक छोटी शीशी में धागा डालकर, जो कि हम रोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बत्ती बना सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में होता था, लोग दिया बनाते थे शीशी के अंदर डाल के, ठीक उसी तरह से आप नीम का तेल, लौंग का तेल और नारियल का तेल मिलाकर एक दिया बना सकते हैं जिसका ढक्कन बंद होगा, जिसकी वजह से आप उसमें एक बार तेल भर के उसे कई दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कमरा ज़्यादा बड़ा है तो इस तरीके से आप मच्छरों को भगा सकते हैं। दोस्तों, आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जितने भी नुस्खे मैंने आपको बताए हैं ये आपको दिमागी तौर पर शांति देंगे। यानी कि कपूर का इस्तेमाल स्पा में भी होता है और तेज पत्ता की जो सुगंध है वो हमारे दिमाग को शांत करती है। रात को अगर किसी को नींद ना आने की समस्या है या फिर सिर दर्द होता है, सिर में भारीपन होता है या फिर आपको किसी भी तरह की टेंशन है, तो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको अपने स्ट्रेस या टेंशन को रिलीज करने में भी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये आसान से नुस्खे जिन्हें आप अपने घर पे आजमा कर मच्छरों को भगा सकते हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए। और जितने भी बाहर के प्रोडक्ट हैं, यानी कि बाज़ार में मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, उनसे बचे रहें, क्योंकि बाज़ार में कई तरह की अगरबत्ती मिलती हैं, कॉइल्स मिलती हैं, जिनका धुआं हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इवन कॉइल के धुएँ से तो कैंसर होने तक की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो फिर इन सब चीज़ों से दूर रहें और साधारण घरेलू उपाय का इस्तेमाल करें। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आपको इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिए और ज़्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लाते रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें।